दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस सरकार की एक साल की नाकामियों के खिलाफ भाजपा ने उपवास रख किया प्रदर्शन। 754 के किसानों ने धरना स्थल पर की आम सभा, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दलाल। स्कूलों में हो रोड सेफ्टी क्लब का गठन, बाल वाहिनी संचालन की बैठक में हुआ निर्णय। जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी दिल्ली में छात्रों के साथ हुई मारपीट के खिलाफ टाउन सुभाष चौक पर जलाया पीएम मोदी का पुतला। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की एक साल की नाकामियों को प्रदेश की जनता के सामने उजागर करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपवास रखकर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस की नाकामियों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए एक साल हो गया, यानी 365 दिन। इन 365 दिनों में सरकार को नाकामी सरकार का करार देते हुए जनविरोधी सरकार का नाम दिया गया। प्रदेश भर में सरकार की जनविरोधी नीतियों, जनता से की गई वादा खिलाफी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ भाजपा ने सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास और स्वाधीन स्थान पर बैठकर सांकेतिक उपवास किया। जिला मुख्यालय पर पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उपवास रखा और सरकार की जनविरोधी नीतियों पर चर्चा की। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का कहना था कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सीधे चुनाव प्रक्रिया को बंद किया और पंचायत चुनाव में नित नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता को गुमराह कर सत्ता में सरकार ने एक वर्ष में जनविरोधी फैसले लिए। धरनास्थल पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के अलावा संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपिनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, गुलाब सेवर सहित पार्षद नगीनाबाई, राजेंद्र चौधरी, बलराज दानेवालिया सहित भाजपाई उपस्थित रहे। कांग्रेस ने विरोध किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया और अब जो मिल रहा है इसके लिए उन्होंने बिल्कुल शर्म उतार दी है। सीधा सीधा भाइयों को हमारे को जला रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं और हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। लोग सब समझदार हैं, समझते हैं ये आने वाले चुनाव के अंदर इनको ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अपने सभी ने यहाँ भाईचारा बना के रखना है और इन लोग का काम सिर्फ लड़ाना, वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए अपने बातों में नहीं आना और अपना प्यार मोहब्बत बना के रखना है। अपना राज स्थापित किया था पर तो आज मैं 12 महीने के इस चीज़ का साक्षी भी हूँ कि विधानसभा में जाए तो उनके पास जवाब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी सारी की सारी उन्होंने रोक दी है और जिस प्रकार से पंचायत राज के 1840 करोड़ रुपए जो अभी किस्त आई थी उसका उपयोग मात्र 25% पंचायतों को भेजने का इन्होंने प्रस्ताव पास किया, वो भी पैसे नहीं भेजेंगे। हर प्रकार से जो भारत सरकार की राशि जो राजस्थान से मिल रही थी वो कहीं पर भी गांव के अंदर नहीं पहुंच पाई, किसी पंचायत हेड को नहीं पहुंच पाई। जिस प्रकार से 12 महीनों के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है और विकास के नाम पर जीरो साबित हुआ है, ऐसे राज का खिलाफ आने वाले पंचायत चुनाव में हम इसका विरोध करें। गांव गांव और ढाणी ढाणी मिला करके अलग जगाएं और जिस प्रकार से इनके कारनामे को जनता के सामने खोलें तो निश्चित ही आने वाले पंचायत राज चुनाव में हमारे प्रमुख और प्रधान बनेंगे। इसी वजह से चाहे आपके घरों का काम हो चाहे आपके नहरों का काम हो सारे बंद पड़े। अब ऐसी हालत में एक बात थोड़ी सी मैं जब भी अपने बैठे हैं कोई बुरा मत मानना उस बात का। सात सौ चौपन के किसानों का चल रहा धरने के तहत आज आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश दलाल मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे थे। इस अवसर पर रमेश दलाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला और किसानों को दिए जा रहे मुआवजे को रिवाइज करने की मांग रखी गयी। हरियाणा और पंजाब के बराबर दिलाऊंगा लेकिन आप ये तप्पड़ मत छोड़ देना। तो हमने चाहे संख्या कम रही या अधिक रही ये लगातार संघर्ष जारी रखा है और हमें देखते हुए हमने आगे संपर्क करके पूरे राजस्थान के अंदर इस आंदोलन की अलख जगाई है। तो अब हमें इस संघर्ष को और जारी रखना होगा। प्रतिनिधि हैं आज दिन तक 70 सालों के अंदर अपने किसान भाइयों के साथ में इनका कोई भी
हमारे पास में इनका एहसान नहीं है। जितना एहसान किया है इस भारत की भूमि पर तो किसानों ने किया है। किसान एक अन्नदाता है, किसान इस भारत का एक अच्छा गंतव्य वाला व्यक्ति है। किसान के बढ़कर इस भारत भूमि के ऊपर कोई नहीं है। देवता भी अगर कोई भी है तो किसान को मानता है। किसान अगर अपनी ताकत लेकर के इंद्रपुरी को यहाँ लाना चाहता है वो ला सकता है। मैं दवेश साहब से कहता हूँ कि हम किसानों ने आज 70 साल में जितनी भी ताकत इन राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों को दी है वो उनकी कुर्सी पर जाकर के विराजमान होकर के हमारी ताकत को वो बेइंतजाम करके बैठ जाते हैं और हमारे साथ में वो गद्दारी करते हैं। दवेश साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी भारत के अन्नदाता हनुमानगढ़ के बीकानेर के बाल बड़ोतरा बाड़मेर जैसलमेर जब से भी किसान यहाँ है एक बार हम सभी हमारी ताकत आपको सुपुर्द करते हैं और हम विश्वास है आपके ऊपर कि हमारे किसानों की ताकत को लेकर के आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए और हमारे किसान भाइयों अन्नदाताओं का आप सेवा देने की कृपा और मेहरबानी करें ताकि हमारी ताकत को लेकर के इन मंत्री महोदय सरपंच से प्रधानमंत्री तक एमएलए से मुख्यमंत्री तक कोई भी सरकार उनको ये एहसास होना चाहिए कि किसी इन भाई अन्नदाताओं का गन्ना करने वाला एक दवे वकील साहब है जिन्होंने ये आवाज उत्तर तक पहुंचा दी है। आज 754 के भारतमाला रोड जो यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर से होती हुई निकल रही है यहाँ हनुमानगढ़ की कलेक्ट्रेट पर आज बड़ी आम सभा थी जिसके मुख्य वक्ता हरियाणा के किसान नेता और जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है वकील है रमेश जी दलाल वो आज मुख्य वक्ता थे और आज हमारे बीच थे। अभी हमने प्रतिनिधि मंडल के तौर पर रमेश जी दलाल हमारे साथ थे, हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा और इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप जी सिंपा और तमाम किसान जो प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम गए और कलेक्टर साहब से बात की, एसडीएम साहब भी वहीं थे और उनका जो रुख था वो भी किसान के पक्ष में था। लेकिन जब इन्होंने अवार्ड जारी किया था उससे पहले यहाँ की DLC वो रिवाइज होनी थी, जो कानूनी रूप से रिवाइज होनी थी वो यहाँ मिस्टेक थी इनकी, उन्होंने नहीं कर पाए और ये सारी चर्चा हमने वहाँ की और रमेश दलाल जी ने विस्तार से जो लीगल इसमें जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जो कानून मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसमें ये है कि अभी हमने कलेक्टर साहब से जो बात की और कलेक्टर साहब ने भी इसमें माना कि सरकार को इसके बारे में अवगत करा दिया और अभी हमने एक एप्लीकेशन वहाँ लगाई है कि हमारी सरकार से और सरकार के चाहे वो हमारे मंत्री है चाहे मुख्यमंत्री है चाहे वो सचिव है उनसे हमारी एक बैठक हो जाए ताकि कानून रूप से और उसमें रमेश जी दलाल भी उसमें रहेंगे उसमें लीगल जो हमारी जो है उसमें अगर वो रिवाइज दोबारा हो जाती है और निश्चित तौर पर वो होगा जल्दी होगा और ये मुआवजा हमें जो पूरा मुआवजा है बढ़कर मुआवजा मिलेगा। बाल वाहिनी संचालन को लेकर जिला परिवहन विभाग प्रशासन और शिक्षा महकमे सहित निजी शिक्षण संस्थानों की संयुक्त बैठक SP कार्यालय में हुई। बैठक में रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने का निर्णय लिया गया। बाल वाहिनियों का संचालन सुचारू ढंग से हो और इस संबंध में बने नियम कानूनों की पालना सुनिश्चित की जाए, इस संबंध में बाल वाहिनी संरक्षण को लेकर जिला परिवहन विभाग और शिक्षा महकमे सहित प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। बताया गया कि जिले भर में फिलहाल बाल वाहिनियों की स्थिति बेहतर है, फिर भी शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। DTO ने बताया कि स्कूल संचालकों की कुछ परेशानियां थी जिसको लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा बैठक में सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया जिसका उद्देश्य स्कूल संचालकों और अभिभावकों को साथ लेकर बाल वाहिनियों से जुड़ी समस्याओं का निदान किया जा सके। आज SP ऑफिस में माननीय एडिशनल SP साहब की अध्यक्षता में बाल वाहिनी योजना के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि और स्कूल के संचालक और जो बस एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि पधारे थे। तो इसमें मुख्यतः ये उद्देश्य था कि बाल वाहिनी योजना है जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद बनी है तो उसकी मंशा को देखते हुए समस्त बसें अप टू नॉर्म्स चले। स्कूल के अंदर मुख्य नए बिंदु जो आए ये हैं कि शिक्षा विभाग का एक सर्कुलर है उसमें स्कूल के अंदर एक रोड सेफ्टी क्लब बने, उसके अलावा स्कूल वाले बसों की जांच करें, उसका औचक निरीक्षण हो और 100% उनकी फिटनेस सुनिश्चित हो।
और उसके पश्चात भी अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो परिवहन विभाग, पुलिस विभाग उन पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, शिक्षा विभाग को इसमें बालवाहिनी के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा ये निर्देश प्रदान किए गए कि आप स्कूल के अंदर रोड सेफ्टी क्लब बनवाइए, तो वो उन बसों के संचालन को सुनिश्चित करें। उसके बाद भी अगर मान लो कोई समस्या है तो वो कंप्लेंट ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग की तरफ से श्रीमान एडिशनल एसपी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें परिवहन विभाग से, पुलिस विभाग से और शिक्षा विभाग से प्रतिनिधि आए थे। इसके साथ ही जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में आए थे। और आज का जो बैठक का जो मुख्य मुद्दा था वो बालवाहिनी को लेकर था। ज़िले में बालवाहिनियों की जो स्थिति है, जैसा कि डीटीओ साहब ने बताया, बहुत अच्छी है, संतोषजनक है। फिर भी कुछ एक छोटी मोटी विद्यालयों की भी समस्याएं थी बालवाहिनी के संबंध में, और जो कमियां छोटी मोटी देखी गई है तो उन सब कमियों के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले जो समय है उसमें हमारे ज़िले में बालवाहिनियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो नहीं रहेगी, और समय से जो संसद संस्थाएँ हैं बालवाहिनियों के संबंध में मुख्य जो बात थी वो एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन सभी विद्यालयों में किया जाए, जिसमें अभिभावक, विद्यार्थी हो और उन सब की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी उसमें क्लब के माध्यम से किया जाए। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में धधकी आग के लपटे हनुमानगढ़ भी अछूता नहीं रहा। टाउन से सुभाष चौक पर हमीदिया मदरसा टाउन के बच्चों ने दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर पीएम मोदी व अमित शाह पर पुतला जलाया गया। दिल्ली की घटना धर्मनिरपेक्ष देश में लोकतंत्र को दबाने वाली घटना करार दिया गया। छात्र छात्रों में लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, छात्र छात्रों में अत्याचार नहीं सहेंगे। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र छात्रों में लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, छात्र छात्रों में अत्याचार नहीं सहेंगे। जो जामिया मिलिया इस्लामिया में ओखला क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों द्वारा और कुछ उसमें स्टूडेंट्स थे जिन द्वारा एनआरसी बिल और सीएबी बिल के विरोध में जो जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें जो उनकी मांगे थी उन मांगों को लेकर वह अपना प्रदर्शन कर रहे थे। संविधान में हमें अधिकार है कि हम अपनी बात को प्रोटेस्ट के जरिए, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के जरिए रख सकते हैं, लेकिन कल उनके साथ जो ज्यादती की गई है, संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई गई है सड़कों पर, प्रदर्शन करने वालों को उनकी बातें सुनने की बजाय जो लाठियों से, आंसू गैस के गोले से जो प्रताड़ित किया गया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इसी को लेकर आज हमने दिल्ली पुलिस का पुतला जलाया है। कल कुछ वीडियोज हमने देखी जिसके अंदर दिल्ली पुलिस खुद कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए नजर आ रही थी, स्कूटी मोटरसाइकिलों को उस डंडों से तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसे साफ जाहिर है कि ये प्री प्लांट है। आज हम लोगों ने, ये सब युवाओं ने और दारुल उलूम अहले सुन्नत इस्लामी अनफिया पुरानी सब्जी मंडी में जो मदरसा है उसके तलबा ने और टाउन के कुछ युवाओं ने मिलकर ये एक विरोध प्रदर्शन किया है कि अपने गुस्से को सामने रखा है। जो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसमें जो छात्राओं पर और छात्र छात्राओं पर जो पुलिस वालों ने जुल्म किया है उसके ख़िलाफ़ आज हमने हनुमानगढ़ टाउन के सुभाष चौक पर एक पुलिस वालों का पुतला फूंका है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार से कि आप ये जो जुल्म कर रहे हैं, जो छात्र छात्राओं की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बर्बाद करने की जो आपकी ये सोच है, इसके ये युवा और आज की जो पीढ़ी है बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये तानाशाही की जो सरकार है आप इसको बदलिए और आप एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि युवा लड़ाई प्रदर्शन नहीं चाहते, बल्कि युवा जो प्रदर्शन करते हैं, जो लड़ाई करते हैं या जुलूस निकालते हैं उसके पीछे वजह ये है कि उनके जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के या पढ़ाई के, शिक्षा के, वो उनके पूरे नहीं हो रहे। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज और पूरी घटना में हनुमानगढ़ में कानूनविदों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र को दबाने वाली घटना करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक का कहना था कि हम जिस देश के वासी हैं वहां लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अपना विरोध व्यक्त करने का।
एडवोकेट जोया का कहना था कि यह कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा है, उम्मीद करेंगी कोर्ट की गरिमा बनी रहे और न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। जामिया मिलिया इस्लामिया में लेकर जो समाचार मीडिया और सोशल मीडिया से आ रहे हैं, बड़े चिंताजनक है। और मैं इस समस्त कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। एक कैंपस में बिना इजाज़त अंदर घुसना ज़बरदस्ती, और लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों पर अत्याचार करना, यहाँ तक कि नमाज पढ़ रहे मासूम बच्चों पर पुलिस का लाठियाँ बरसाना, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। संविधान, और एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम किसी भी उस देश के वासी हैं जहाँ किसी भी बात का विरोध किया जा सकता है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्री के रहने वाले हैं जहाँ कानून का शासन है। यहाँ नादिरशाही नहीं चलती, यहाँ धक्केशाही नहीं चलती, यहाँ कानून का सम्मान किया जाता है। और बच्चों ने अगर उनका विरोध किया, किसी बात को लेकर प्रदर्शन देन करना चाह रहे थे, तो प्रशासन को उसकी अनुमति देनी चाहिए थी। पहली बात तो जामिया के बच्चों ने 3 बजे का टाइम दिया था अपना प्रोटेस्ट मार्च करने के लिए, प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। उल्टा ये हुआ, जैसा समाचारों से पता चल रहा है, जैसा सोशल मीडिया से पता चल रहा है, एक कैंपस में ज़बरदस्ती घुसकर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, मीडिया में छात्रों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन मीडिया में ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि पत्थरबाजी पुलिस की ओर से भी की गई है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि पुलिस ने छात्रों को उकसाया। अगर ऐसा है तो ये और निंदनीय है। मैं चाहूँगा दिल्ली प्रशासन इसका नोटिस ले। हालांकि इस बात को लेकर कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गए और इसकी सुनवाई शीघ्र होने की उम्मीद है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और हम कामना करेंगे कि इस दुख भरी घड़ी में, इस संकट की परिस्थितियों में हमारा माननीय न्यायालय अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज करवाएगा और इंसाफ दिलाएगा। सर्व समाज सभा के जिला सचिव और कायमखानी महासभा के संयोजक एडवोकेट जाकिर हुसैन ने कानून के जानकार हैं तो सर्व समाज भाईचारे को लेकर कार्यरत भी। उन्होंने दिल्ली की इस घटना को कड़े शब्दों में भर्त्सना की। उनका कहना था कि पुलिस के गुंडों ने केंद्र सरकार के इशारों पर इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। मैं मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अन्य भारतवर्ष में जो स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा जो क्रूर अत्याचार किए गए हैं, और जिन स्टूडेंट्स की जो लाइब्रेरी में बैठे थे उनके लाइब्रेरी में घुसकर और आंसू घोस के गोले और जो छोड़ा गया है, वो एक कृत्य है, पुलिस का कृत्य नहीं है। वो एक सरकार की नाजायज़ पुलिस, या कहें कि सरकार के गुंडे साबित हुए हैं। ऐसी पुलिस की बर्बरता इस प्रकार के आंदोलन में देखने को पहली बार मिली है। यह बर्बरता पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर की गई है। केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि उसके के विरुद्ध किसी भी कानून का विरोध अहिंसात्मक रूप से हो। वो इस एक्ट को अहिंसा में बदलना चाहती है, ताकि जो जिस प्रकार की राजनीति उनकी रही है परिपाटी, उसको वो फलीभूत कर सके। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों को दबाना लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के बराबर है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सरकार उसका प्रतिशोध करे, ये पहली बार देखा। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ 19 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने घटना की निंदा करते हुए देश के लोकतंत्र को खतरा बताया। जामिया के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो कल रात को घटना हुई है, उसको लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस बात को मानती है कि जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इन काले कानूनों के खिलाफ, जिस तरह पुलिस का व्यवहार है, केंद्र सरकार का व्यवहार है, वो अलोकतांत्रिक है। ये इसलिए है कि जिस तरह से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वीडियो आ रहे हैं कि बसों के अंदर, गाड़ियों के अंदर तोड़ फोड़ है, जो खुद पुलिस कर रही है,
और उन्हें बच्चों को ऊपर झूठे मुकदमे मना रहे हैं, उन मदरसों में उन जामिया के विश्वविद्यालय में घुसकर जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ इसी तरह से पुलिस बर्बरता का उपयोग कर रही है और पुलिस को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन हम आपके मार्फत ये कहना चाहते हैं कि जनता की आवाज़ नहीं दबेगी। और अभी इसी बात को लेकर 19 तारीख को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी, पूरे जिले के अंदर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। बॉलीवुड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपना, चिंता मुक्त हो जाओ। अबोहर बाईपास स्थित गोशाला में नगर परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड का स्वागत कर सम्मान किया गया। सबसे पर सभापति गणेश बंसल सहित सभी 60 वार्डों के पार्षदों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभापति गणेश बंसल ने गोशाला विकास सहित गत बोर्ड में गोशाला के लिए 50 बीघा भूमि आवंटन की घोषणा को विधायक के सहयोग से अमलीजामा पहनाने की बात कही। सत्ता सिंह, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे सम्मानित पार्षदगण, आज गौशाला सेवा समिति के द्वारा ये सम्मान समारोह अर्जित कर जो हम पर उपकार किया है इसके लिए हम गौशाला सेवा समिति का धन्यवाद अदा करते हैं कि गौशाला के लिए पिछले एजेंडा में 50 बीघा भूमि नंदीशाला व गौशाला के लिए दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब आपके आशीर्वाद से व गौ माता के आशीर्वाद से मैं सभापति के पद पर आसीन हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे सभी 60 पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। हम गौशाला सेवा समिति को यह आश्वासन देते हैं कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसको हम राज्य सरकार को भिजवाकर हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी का साथ लेकर हम इस गौशाला की भूमि को आवंटित करवाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद नहीं विश्वास है कि श्री विनोद कुमार जी के प्रयासों से व हम अपने प्रयासों से इस भूमि का आवंटन गौशाला सेवा समिति के नाम करवा सकेंगे। शीघ्र ही यह है भूमि गौशाला को दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय। आज श्री गौशाला सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर बाईपास पर सभी पार्षदों का, सभापति का, उप सभापति का सम्मान किया गया और सभी पार्षदों की तरफ से गौशाला में सर्दी में भी हमें टाइम निकाल कर यहाँ पहुँचे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभापति जी ने हमें ये घोषणा की, जो प्रस्ताव पास हुआ 50 बीघा जमीन देने का, पहले इससे पहले सभापति जी ने घोषणा की थी कि जो पहले प्रस्ताव पास किया 50 बीघे का वो हम जल्दी से जल्दी इसको विनोद जी की सहायता से इसको जल्दी जल्दी दिलवाएंगे, उछलो दिलवाएंगे। राजकीय एमपीजी कॉलेज में पीपी मोड में तैयार नई बिल्डिंग से महाविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार होने के साथ साथ विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। 1.5 करोड़ की लागत से बना स्वर्ण जयंती भवन बनकर तैयार हो गया है, जल्द ही इसे महाविद्यालय को हैंडओवर किया जाना है। राजकीय एमपीजी कॉलेज में स्वर्ण जयंती भवन बनकर तैयार हो गया है, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पीपी मोड में 1.5 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्राचार्य नरेंद्र सिंह भामू ने बताया कि इस भवन में 10 बड़े कमरों का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा लैब, स्टाफ रूम सहित शौचालय आदि का निर्माण भी करवाया गया है।
बताया गया कि इस भवन में BCA MSA कंप्यूटर साइंस सहित 8 फैकल्टी को इस भवन में शिफ्ट किया जाना है। जल्द ही विधायक चौधरी विनोद कुमार इस भवन का लोकार्पण करेंगे। PPP मोड में 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है, स्वर्ण जयंती भवन, जिसमें 10 कमरे हैं, स्पेशियस रूम्स हैं, अपने यूं कहें कि 25x50 के एज पर नॉर्म्स है UGC के, और इसमें 10 कक्षा कक्ष कहो आप, एक स्टाफ रूम फैसिलिटीज़ है, बहुत बढ़िया टॉयलेट्स जैसे फैसिलिटीज अपने कहें, 2 छोटे रूम्स हैं। ये बिल्डिंग जो है ये आगे आने वाले समय में BCA MSC कंप्यूटर साइंस 2 इसमें लैब बनाएंगे, हम शिफ्ट करेंगे बनी हुई लैब तो, और साथ में क्या है कि इसमें अपने आर्ट्स फैकल्टी सारी की सारी इसमें लेके आएंगे, आर्ट्स फैकल्टी सारी की सारी, क्यों साइंस को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि साइंस की लैब्स में परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन हम चाह रहे हैं, तो सबसे टाइमली आ जा रहा है पूर्व मंत्री जी MLA साहब से, वो अभी जल्दी समय दे देंगे, बिल्डिंग हैंड ओवर होती है इसका उद्घाटन करके, और नेक्स्ट सेशन से इस बिल्डिंग को शुरू करना चाह रहे, उससे पहले ही इसमें अभी 500 के करीब फर्नीचर खरीदा जाना है। इस स्वर्ण जयंती भवन की बात करें तो निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फर्नीचर सहित बोर्ड आदि लगाने का कार्य अभी बाकी है, ताकि स्मार्ट क्लासेस को पूर्ण रूप से तैयार किया जा सके। वहीं अब महाविद्यालय में इस भवन के हैंडओवर होने के बाद 1800 से 2000 तक के बच्चों की परीक्षा एक साथ ली जा सकेगी। बोर्ड लगाए जाने हैं, अभी ये काम बकाया है, ये बिल्डिंग हैंडओवर होने के बाद में बोर्ड, बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे 4x12 के, अच्छे किस्म के जो स्मार्ट क्लासरूम के हिसाब से, और अच्छे वर्ल्ड क्लास जो हम कहेंगे, या अच्छा फर्नीचर खरीदा जाएगा, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक साथ जो 1800-1900 बच्चों के एग्ज़ाम तो आराम से हम एक साथ करवा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ गया है। अब प्राइवेट बच्चों के साथ जो कुल एग्ज़ाम लेने की जो बात आती है, एक शिफ्ट में 1800 से 2000 तक बच्चे होते हैं कई बार बार पास, जिनको कॉरिडोर में बिठाना पड़ता है, आंधी वगैरह आती है तो बड़ी मुश्किल आती थी, बहुत सी मुश्किलों का समाधान हो जाएगी। तो क्लासें भी बढ़ने की? हाँ, क्लासेस भी, जैसे अब नई MSc क्लास 2 आई है हमारे पास, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स आई है, ज्योग्राफी में हम सब्जेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, और सब्जेक्ट भी हमने, यदि फैसिलिटी होगी तभी तो हम आगे अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, और बच्चों की सुविधा होगी। बटनेर किंग्स क्लब की ओर से 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के तहत क्लब सदस्यों की ओर से जिला अस्पताल में 11 यूनिट रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि समय समय पर क्लब की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़कर कार्य किए जाते हैं। बटनेर किंग्स क्लब के द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय में, राजकीय जिला चिकित्सा में 11 यूनिट रक्तदान देने का हमने संकल्प लिया, और इसी तरह हम आगे से आगे, ये पहला हमारा कार्यक्रम है और इसी तरह हम ये देते रहेंगे। बटनेर किंग्स क्लब हमेशा ऐसे कार्य पर तत्पर रहा है जैसे दूसरे के जीवन में सभी को खुशियाँ दे सकें, जैसे कि झुग्गी झोंपड़ियों के साथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर गरीब बेसहारों को गर्म कंबल बांटना, और आज इस कड़ी में इसी तरह हमने रक्तदान की पहल की है, ये हमारा रक्तदान का पहला कार्यक्रम है, और इसी तरह में आगे रक्तदान कैंप बड़े लगाते रहेंगे। ये तो हमने जिला चिकित्सा में हमने 11 ब्लड डोनेट किए हैं, और रक्तदान महादान है, जीवन दान है, और रक्तदान के द्वारा ही जब किसी व्यक्ति को रक्तदान की जरूरत पड़ती है तो उसको महसूस होता है, रक्तदान ही बड़ा महादान है, और उस समय 16 दिसंबर है, और आज के दिन 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और मजबूर कर दिया था पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए, तो ये उसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। हम चूँकि एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहते थे आज के दिन, परंतु जब हमने राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में संपर्क किया तो पता चला कि यहाँ पर पहले से एक्सेस है ब्लड की, दिसंबर माह में काफ़ी रक्तदान शिविर लग चुके थे, तो हमने यहाँ आवश्यकता कम थी तो हमने निश्चय किया कि हम यहाँ पर हमारी टीम बटनेर किंग्स क्लब के 11 जो यूनिट है वो ब्लड जरूर डोनेट करेंगे। नेक्स्ट मंथ हम एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। जंक्शन में कल्याण भूमि में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर में लंगर हॉल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। 75x75 के इस लंगर हॉल का निर्माण नगर परिषद की ओर से करवाया जा रहा है।
जंक्शन के गांधीनगर में नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस मंदिर परिसर में अब नगर परिषद की ओर से 75x75 के लंगर हॉल का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। निर्माण कार्य का शिलान्यास विधिवत सभापति ने किया। इस अवसर पर पहुंचे गणमान्य नागरिकों सहित नगर परिषद की टीम ने चल रहे मंदिर निर्माण कार्य को भी देखा। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल सहित पार्षद सुमित रिणवा, तरुण विजय, गौरव जैन, नीलकंठ सेवा समिति के अध्यक्ष अश्वनी नारंग सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज से नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से कल्याण भूमि में चलाए जा रहे काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर के निर्माण के साथ साथ एक लंगर हाल का निर्माण जो 75x75 का है, जो नगर परिषद की ओर से तैयार किया जाएगा, आज उसका शिलान्यास हमारे सम्माननीय सभापति गणेश राजी बंसल जी ने किया। उसमें सभी पार्षदगण एवं एक्शन साहब, कमिश्नर साहब, शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी ने आशीर्वाद दिया और मैं कामना करता हूँ शहरवासियों से कि जल्द जल्द मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन करा के और कार्य को पूरा किया जाए। सभी को पता है कि हनुमानगढ़ में नगर परिषद में नई सरकार बनी है, तो सरकार की जो शुरुआत में गणेश जी का और कांग्रेस पार्टी का और चौधरी विनोद कुमार जी का एक ही ध्येय है कि शहर में जो रुके हुए निर्माण कार्य हैं उनको गति मिले। इसी क्रम में आज नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा संचालित कल्याण भूमि में एक बहुत बड़े लंगर हॉल का निर्माण का जो शिलान्यास है वो माननीय सभापति जी और नीलकंठ महादेव सेवा समिति और शहर के प्रबुद्ध जनों द्वारा किया गया है। और मैं ये आशा करता हूँ भाई इस बोर्ड के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और सभी को लगेगा भी हम किसी जिला मुख्यालय पर रह रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुआ। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।